हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपा और आप देख रहे हैं रूपास मैजिकल किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बनाएंगे ढोकला, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन 2 कटोरी और मैंने बेसन को छान लिया था अच्छी तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 छोटी चम्मच और 1 चम्मच इसमें डालेंगे चीनी और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे, जो ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें बहुत सारे रेसिपीज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए बैटर की। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉईल होने के लिए और इसको हमने ढक्कन से ढक दिया है। अब जो हमारा ये टीन है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ और अच्छे से चारों तरफ से हमें इसको ग्रीस कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि हमारा बैटर कहीं चिपके ना और वो आसानी से बाहर निकल आए। फ्रेंड्स, देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालने के साथ ही साथ देखिए, इनो डालते ही ये बिल्कुल फॉमी बन गया है, फूल चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। और हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमारा जो टीन है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने टीन ले लिया है। अब मैं इसमें जो हमारे ढोकले का बैटर है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये हमारा पानी उबलने लगा है अच्छी तरीके से। अब मैंने इस टीन को इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम ढक्कन लगा के लगभग 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया था और ये बिल्कुल भी रेडी है। मैंने इसमें टूथपिक लगाया और टूथपिक जब हमारा साफ बाहर निकल जाए तो मतलब हमारा ढोकला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको उतार लेंगे इसके अंदर से और इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए हम इसका तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है करी पत्ते और मैंने लिया है हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्च। और यहाँ पर मैंने लिया है सरसों, काला सरसों। और हमने लिया यहाँ 1 नींबू का रस जिसको मैंने छान लिया है। और यहाँ मैंने चीनी लिया है 4 चम्मच और नमक मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम कढ़ाई गरम करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी लगभग 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल के गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे सरसों। तो सरसों के दाने चटकने लगते हैं तो फ्रेंड्स, सरसों के दाने डालते ही हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। अब हम ढक्कन को हटा लेंगे। हटाने के बाद इसमें हम अपने करी पत्ते डाल देंगे और इसको भी अच्छे से किसी स्पैचुला के हेल्प से थोड़ा सा चला लेंगे फ्रेंड्स। और जब ये अच्छे से, देखिए अच्छे से जब भुन जाए, ये अच्छे से पक जाए, तो इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चियाँ। तो हरी मिर्चियाँ आप काट के डालें तो जब इसमें मिर्ची का फ्लेवर आ जाएगा तो ये हमारा जो तड़का है खट्टा, मीठा और तीखा लगेगा, जो कि ढोकले में बहुत ही अच्छा स्वाद लाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चला लेंगे लगभग 1 मिनट और चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी डाल लूँगी। और फ्रेंड्स, जब 2 ग्लास पानी डाल लेंगे और जब ये पानी गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस, चीनी और नमक और इनको हम लगभग 2 से 3 मिनट उबाल लेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अब मेरे साथ वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है और इसको मैं अब निकाल रही हूँ टीन से। तो देखिए, बस हल्का सा टैप करते ही ये बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा बना है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको पहले काट लूँगी। तो देखिए, काटते ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। तो आपको जिस हिसाब से पसंद है, छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, ये कुछ ऐसा जालीदार बना है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे इसका तड़का।
तो फ्रेंड्स ये ज़रूर याद रखिए, ढोकला थोड़ा ठंडा होना चाहिए और जो हमारा तड़का था वो थोड़ा गर्म होना चाहिए, दोनों ही ज़्यादा गर्म ना हो और दोनों ही ज़्यादा ठंडा ना हो। तो हम इक्वली सभी पीसेस के ऊपर डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसको किसी गहरे बर्तन में डाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल रेडी है ढोकला खाने के लिए, इसको आधे घंटे अब्सॉर्ब करने दीजिए और उसके बाद देखिए ये हम खा सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।